उत्तर प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का आतंक चरम पर है। खासकर प्रदेश में लूट और हत्या की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। ताज़ा मामला बांदा के मरका थाना अंतर्गत मऊ गांव के पुरवा का है, जहां असलहों के साथ घर में घुसे बदमाशों ने घर वालों को पहले जमकर पीटा, फिर सभी सदस्यों को एक कमरे में बंद कर घर से जेवर और करीब 5 लाख नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों के जाने के बाद घर वालों ने किसी तरह दरवाजा खोला और पुलिस को सूचना दी। इस दौरान बदमाशों की पिटाई से घर के सभी सदस्य बुरी तरह घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया। सभी पीड़ितों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। रात में सो रहे थे तो कुछ लोग छत से चढ़ के आए और मारपीट करने लगे, और पहले दादी को मारा, फिर मम्मी को, फिर पापा को मारा, फिर हम लोगों को मारपीट के एक जगह बैठा के इकट्ठा करके घेर लिया। और वो थे तो एक और थे, वो जो हर जगह वो खोजबीन कर रहे थे, बक्से अलमारी 2-3 घंटे तक वो खोजबीन करते रहे। पापा को गन भी उन्होंने लगाई कि मार देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। असलहे लिए थे क्या? हाँ, एकदम जितने लोग थे 7-8 लोग थे, उनके पास सबके पास एक एक तमंचा बोल रहे थे। कुसुमियन पुरवा एक मजरा है मऊ ग्राम पंचायत का, वहाँ रहते हैं हम लोग। तो रात में लगभग 12 बजे के बाद कुछ लोग घर के अंदर घुसे। कितने लोग? अब वो 5 तो हमारे पास थे, 2 लोग हमारी छत पे घूम रहे थे, बाहर भी रहे होंगे, ये तो नहीं देखा हमने। वो घुसते ही मारपीट उन्होंने शुरू कर दी हमारे किसी से, और वो लोहे के राड लिए थे, डंडे लिए थे, बंदूक के बट थे, तमंचा के बट थे। तो इसके बाद फिर सारे घर में तलाशी लेते रहे, हमको एक जगह बैठा दिया और कह रहे थे गोली मार देंगे। पूरा घर खोजते रहे, हमारा जो भी था वहाँ घर में वो सब कुछ ले गए। 3-4 लाख रुपया भी रखा था मकान में। क्या क्या रखा था और क्या क्या ले गए? 3-4 लाख तो रुपया रखा था, और कुछ जैसे गहने वगैरह सोने चांदी के। यहाँ कल रात में लोग खाना खाने के बाद जब सो गए, तब कुछ अज्ञात लोग यहाँ आए छत के रास्ते, और आकर के सीधे इन लोगों पे लोहे के राड से वार करने लगे। जब उन्होंने बुरी तरह से भैया को पीटा, मम्मी को पीटा और भाभी को पीटा, काफी घायल होने पर भी उन लोगों को बंधक बना लिया गया, आंगन में बैठाए, सीधे गन लगा दिए। बोलते हम मार के जाएंगे, अपना सोना निकालो, कैश दो। भैया ने कहा सारा घर पड़ा है, अपना कैश निकाल लो, जहाँ हो कुछ भी हो, जो मेरे पास ले जाओ। जो वो लोग पाए सब लूट पाट के ले गए, और इन लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया, और उसकी कुंडी भी बाहर से लगाई गई। अब ये लोग बंद थे कमरे में, तो वहाँ से निकल नहीं पाते, मोबाइल फोन भी नहीं था, भैया का मोबाइल फोन ले गए। फिर वो भैया ने खिड़की तोड़ी तो उससे पलक को बाहर भेजा, और पलक बाहर आई तो दादी की खटिया में एक मोबाइल छोटा सा तकिए के नीचे पड़ा रह गया था, उसको लेकर के गए, और उससे भैया ने चाचा को कॉल किया, पुलिस को कॉल किया, और फिर सब लोग यहाँ आए। जब तक सब लोग आए तब तक ये लोग काफी बेहोश हो चुके थे, मतलब बहुत घायल थे। फिर इनको बबेरू ले जाया गया, बबेरू से वो उनको बांदा के लिए रिफर किया गया, वो बांदा में है इस समय हॉस्पिटल में। हाँ, वो लोग कह के गए हैं कि अपना जो सोना हो तिलौसा पे रखो, हम लोगों का गांव तिलौसा है, तो तिलौसा पे रखा हो उसको सब मंगा लीजिएगा, आज हम लेने आएंगे, नहीं हम तुमको फिर जान से मार देंगे। वही सूचना पाकर मौके पर कई थानों की पुलिस और अपर पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस तरह से खुलेआम डकैती पड़ना कहीं न कहीं कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। घटना के बाद से पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है, लोग दहशत में हैं। वहीं साफ नजर आ रहा है कि बदमाशों को पुलिस का खौफ नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।